मेरा नाम है चमकौर सिंह नैनेवाल, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता आगरा, हाँ जिला बरनाला। अज डीसी ऑफिस वैसे ठीक है, पत्रकारों ने होंगे भी धरना धरना नहीं, असी बड़ा डेपूटेशन रूप च अज डीसी साहब नू मेमोरेंडम देना है, मिलना है। यह पक्षों सोसायटी के लगभग 2 साल हो गया गबन का रौला पै रहा है, पक्षों सोसायटी बंद हुई पई है। उस घपले नू लैके पहला AR दे दफ्तर धरना भी चलिया, साडे मैडम डीसी दे विश्वास ते वो धरना असी समाप्त करिया भी यह मसला सारा 20 दिनां च क्लीयर कर देंगे, पर लगभग उस डेट लई नू भी 6 महीने हो गए। इदू बाद मैडम डीसी साहब नू 2-3 बारी मिल भी चुके हैं, पर वह मसला किसे तन पत्तन नहीं लग रहा। उन्हूं तन पत्तन लाउण खातर भी गल ओह कित्थे खड़ी है, अज डीसी साहब नू मिल रहे हैं ते जे इहदा कोई फेर भी सानू ठोस जवाब नहीं उधरों मिलता, जानकारी नहीं मिलती, कोई विश्वास नहीं मिलता, तां असीं पहले ही डीसी साहब नू कहा होया है भी हुण असीं AR दे दफ्तर नहीं बैठांगे, थोड़े विश्वास ते असीं AR दफ्तर तों उठे हैं, फिर पक्का मोर्चा डीसी दफ्तर लगूगा दा नमेड़ा करके उठांगे। इस मसले नू लैके अज डीसी साहब नू मिलन वास्ते आए। जिहड़ा पिछले दिनां दे विच सोसाइटी वाला मसला चलदा पिंड पक्खों दे विच, उह 6.75 करोड़ दा घपला गा मुलाजम कर गया सीगा, इक ना उहदे कोई कारवाई होई आ ना उहदी कोई गाहां मतलब इनकुआरी चल रही आ। हुण इनकुआरी नू लैके वी जिहड़े किसानां दा घपला उहनां नू साफ मिले, जे ना साफ मिलिया आउंदे दिनां दे विच इत्थे पक्का मोर्चा लावांगे। डीसी ऑफिस के धरने का मतलब ये साडे पिंड पक्खों के विखे सैकटरी वालों सोसायटी के बड़ा घपला किया गया सी, उहदी जांच सही तरीके नाल नहीं चल रही। जिहड़े इन्हां दे मुलाजम ने जिहड़े के दोषी ने जिहड़े के रहे ये एक्सट्रा ड्यूटियां कीतियां उन्होंने, उन्हां ते कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सगों पिंड दीआं जिहड़ियां कमेटियां ने प्रबंधक कमेटियां उहनां दी जमीन अटैच जरूर करती महकमे ने। जिहड़ा इत्थों दा AR है हरजीत सिंह, उहदी मिली भुगत ना सैकटरी नाल उह मिलिया जुलिया, प्रशासन ना उहदी बदली कर रहा है ना उहनूं कुछ कह रहा, सारा कुछ है जिहड़ा उह इत्थे गलत कम AR हरजीत सिंह कर रहा, उहदी इत्थे प्रशासन नाल मिली भुगत है। प्रशासन उहनूं कुछ भी नहीं कह रहा, प्रशासन कोले असीं किन्ने वार उहदी शिकायत कीती है, प्रशासन उह तों लाचार नज़र आ रहा कि कहिंदे असीं इहदा कुछ नहीं कर सकदे, ये पता नहीं भी उहदी उपरों पहुँच है जां की चीज़। उह जथेबंदी उगराहां इस मतलब मामले लीड कर रही है, वो अगे जे वो भी प्रोग्राम लीकणगे उहदा असीं समर्थन करांगे, असीं उहनां दे नाल। मैं हुण इह उह चीज़ां दा हैगा अंत हैगा भी जिहड़े पहलां धरने लाए सी, हुण असीं पक्के ही धरने लावांगे। डीसी मैडम नूं भी वैसे काफ़ी वारी पहलां मिल ले, कोई सार्थक जवाब मिलता नहीं हैगा सानूं, इत्थों कोई उम्मीद आउंदी है जिदे आउने आ उदे 2-4 दिन लई कम चलदा है, उस तों बाद फिर इह प्रशासन वाले ठंडे हो जांदे ने। ਸਾਡੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਣ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਵਣ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ 125-300 ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ AR ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ DC ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ 19 ਕੁ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਾਵਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਵਣ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ DC ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ।